छतरपुर जिले में वोटिंग से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता सलमान खान की मौत के मामले में दिग्विजय सिंह काफी गुस्से में हैं। दिग्विजय सिंह मृतक के परिजनों के यहां पहुंचे। परिजनों के पास पहुंचने के बाद दिग्विजय सिंह भावुक भी नजर आए और वहीं गुस्से से भी भरे नजर आए। दिग्विजय सिंह पहुंचे थे, आपको बता दूं, राजनगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे नाती राजा विक्रम सिंह के करीबी सलमान खान के घर पर। वहां पर पहले वो परिजनों से मिले। परिजनों से मुलाकात के बाद जब उनसे सवाल किया गया कि इस तरीके की हिंसा हुई है और बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है, तो दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया और कहा कि क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर। सवाल उठा ली दिग्विजय सिंह ने, सुनिए। मैंने तो मांग कल से मैं मांग कर रहा हूँ, एसपी से, कलेक्टर से मेरी बात हुई कि आप नामजद रिपोर्ट है और आपने FIR में उसको हत्या के रूप में उसको दर्ज की है, तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? जो दो अपराधी हैं, वोट डालने आ रहे हैं, उन पर आज तक आपने उनको पकड़ा क्यों नहीं? और कोई होता तब तक उनके मकान घूम रहे थे पूरे दिन। कोई बुलडोजर नहीं है सर, प्रदेश में कहीं कुछ नहीं हो रहा सर, हम लोगों के ऊपर बुलडोजर चल जाते सर हम लोग। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अभी तक और कोई होता तो बुलडोजर चल गए होते। दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए और ये कहा कि अब क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर। दरअसल पूरे इलाके में सलमान की मौत के बाद कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। वोटिंग के बीच में ही सलमान की मौत के बाद विक्रम सिंह नाती राजा जहां एक तरफ भावुक नजर आए थे, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थाने में डट गए थे कि कैसे भी बीजेपी प्रत्याशी और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज हो। पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया और आपको बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अब हमलावर है। मामला प्रदेश स्तर तक पहुंच चुका है। दिग्विजय सिंह खुद घर पहुंचे और उसके बाद दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से सवालों के घेरे में लिया है, उसके बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है छतरपुर जिले में सलमान की मौत के मामले में। आपको बता दूं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सीधा आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी ने इस काम को अंजाम दिया है और आरोप लगा रही है कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी पर। फिलहाल मामला दर्ज हुआ है और दिग्विजय सिंह ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। छतरपुर से आप तक खबर पहुंचाई लोकेश और सीएन, आप देखते रहे एमपी तक।